हे गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं लांगजा और यहाँ पे है बुद्धा जी का स्टैचू। तो हे गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं हिकिम के पोस्ट ऑफिस। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिमनीत व्लॉग्स। गाइज, अभी बज रहे सुबह के 9:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और आज हम लोग 5 जगह जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। सो अभी हम लोग बस फटाफट से यहाँ से निकल रहे हैं अपने होटल से। सो गाइज, मिलते हैं ऑन द वे रास्ते में। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। तो अभी हम जस्ट होटल से निकले, अभी पेट्रोल डलवाया मैंने 200 रुपीज़ का स्कैन में, कैन को साथ में रख लिया है और टैंक मेरा फुल है। फिर भी इमरजेंसी में होना चाहिए अपने पास 200 रुपये का पेट्रोल, तो मैंने 200 का पेट्रोल डलवा लिया। और टाइम हो रहा है सुबह के 10 और अब हम जा रहे हैं लांगजा विलेज। उसके बाद हिकिम, कॉमिक की मोनेस्ट्री, किब्बर और चिचम ब्रिज तक जाएंगे। देखते हैं कितनी जगह जितने भी हैं सब कवर कर लेंगे आज, क्योंकि कल अपने को निकलना है वापस। और ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये जाएगा, और जो सीधा निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका ग्रामफू चंद्रताल लेक की तरफ। तो वो और मनाली तो जाना नहीं है, हमें निकलना है लांगजा विलेज। ग्राम पंचायत लांगजा आपका हार्दिक स्वागत करती है। और लांगजा विलेज ऊपर है काफ़ी, और लांगजा है गाइस काजा से 15 किलोमीटर्स अराउंड, और आपको लगेंगे 30 मिनट्स। और रास्ते में आ जाएगा हिकिम और कॉमिक। और कल रात को गाइस हो गई थी थोड़ी बहुत स्नोफॉल, और उसके बाद टेम्परेचर चला गया रात को -5, -4, -4 तक तो था। जब मैं 12 बजे तक, 12:30 बजे तक उठा हुआ था, 12:30 बजे मैंने देखा था -4 डिग्री दिखा रहा था। और रात को स्नोफॉल हो गई थी हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं हुई क्योंकि मौसम जो है वो इवनिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हवा तेज नहीं हो गई थी और क्लाउड्स जो हैं वो आ गए थे ब्लैक कलर के, एकदम पूरा कवर कर लिया था काजा को। और रात को स्नोफॉल हो गई थोड़ी बहुत, और नेक्स्ट स्नोफॉल दिखा रहा है थर्सडे, जो कि मॉडरेट लेवल की है। तो मतलब थर्सडे से पहले, आज है ट्यूसडे 18 अक्टूबर, और 19-20 को दिखा रखी है स्नोफॉल सब जगह, जैसे काजा में, ताबो में, चिटकुल में भी दिखा रखी है। तो आएगी इसका तो सब जगह मौसम बना हुआ है, पूरी स्नो दिखा रखी है कि उस दिन होगी होगी, तो बाकी देखते हैं। और उससे पहले गाइस हम निकल जाएंगे यहाँ से, जो कल हमारी पूरी कोशिश है, कल हम यहाँ से काजा से वापस रिटर्न अपने घर की तरफ निकलेंगे और अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे स्पीति वैली से। कंफ्यूज हो गया, एक साथ चार जा रहे हैं। उमरिंगला वाला रास्ता बन गया है, तो कहाँ से जाऊँ? हाँ वैसे वहाँ से भी पहुँच जाते। और भाई साहब गाइस, कल यहाँ पे स्नो पड़ी है गाइस ऊपर, इतने वो नहीं थे रात को। होम स्टे मिल जाएंगे गाइस यहाँ पे आपको, जियो के 1-2 टावर आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है। एयरटेल यहाँ पे भी 1-2 दिखा रहा है, नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। कहाँ से है? इधर से ही है ना? अरे यही सही है, एक ही रास्ता जाएगा, उधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, टूरिस्ट तो आया हुआ है। तो फाइनली गाइस पहुँचे लांगजा विलेज।
नीचे नहीं जाएगी। गाइज हम लोग फाइनली आ गए हैं लांगजा और यहाँ पे है बुद्धा जी का स्टैचू, काफ़ी अच्छा सा। और पूछो मत ठंड का, तो मेरे को तो कैप में से भी सर्दी जा रही है, बहुत ज़्यादा कुल्फी बन गई है, बहुत ठंड है गाइज यहाँ पे, हालत ख़राब हो गई ठंड में। सो मैं आपको दिखा देती हूँ बुद्धा जी का स्टैचू। गाइज ये है बुद्धा जी का स्टैचू जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी हाइट पे है, ये 35 फीट पे गाइज बुद्धा जी की हाइट है गाइस 35 फीट। और हाँ उड़ा लो, मैं एक बार कैब भी सही करूँगा। सो गाइस अभी हम लोग ड्रोन शॉट्स लेंगे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे और फिर दिखाएंगे, देखना आप लोग पूरी वीडियो में ड्रोन शॉट्स यहाँ के। हवा तो चल रही है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। हाँ बाकी इतनी तेज़ नहीं है, उठ जाएगा ड्रोन, तो देखते हैं। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। मुझे हमें बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मिले हैं, ये देखो कितनी क्यूट है ये, मैं आपको एक और बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। हेलो क्यूटी, मुझे नहीं पता। गाइस लांगजा से हम निकल रहे हैं, लांगजा से, और ये लांगजा विलेज और हिक्की में यहाँ से 7.5 किलोमीटर। यहाँ पे होटल्स और होम स्टे बन रहे हैं, ये देखो ये होटल बन रहा है, होम स्टे तो बहुत है यहाँ पे। और अब हम निकल रहे हैं सीधा हिक्किम और कॉमिक। ठंड गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ फ्रीज हो रहे हैं हाथ, हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। ड्रोन में पंगा ये हुआ गाइस, ड्रोन उड़ाने के लिए निकाला, डीजे की ऐप क्रैश हो रही बार बार, अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपडेट करूँ कैसे, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं गाइस यहाँ पे, ना जियो का ना एयरटेल का। तो अब आखिरी लोकेशन जो होगी हमारी चिचम ब्रिज होगी, वहाँ पर शायद नेटवर्क आएगा, तो जहाँ नेटवर्क आएगा DJI की ऐप अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि चल नहीं रही, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर मैंने घर पे मैंने चेक किया था, चल रहा था, यहाँ आके लगता कुछ पंगा हुआ, और घर से लेकर अभी तक मैंने एक बार भी ड्रोन चालू नहीं किया, शायद मैं भी मुझे पता नहीं चला इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तो जैसे ही ऐप ड्रोन कनेक्ट करके मैं ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐप बंद हो रही है बार बार, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि बग है, अपडेट करके दोबारा चलाओ तब चलेगा, अपडेट करूँगा कैसे, यहाँ नेटवर्क भी तो होना चाहिए। अब जहाँ नेटवर्क आएगा पीछे हिक्किम में शायद, तो वहाँ पे DJI की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो मिलती नहीं है DJI फ्लाई, और वहाँ उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अभी सीधा हिक्किम में और कॉमिक में, ये रूट वही है जो भी आपने इसी रूट से आए थे, हम सेम रूट है। तो गाइस देखो माउंटेन्स, ये दूसरा रास्ता है, ये वो रास्ता नहीं है गाइस जहाँ से हम आए थे, एक नया रास्ता कट रहा था हिक्किम का, तो मैंने उस पर ले लिया, वो रास्ता जो है वो नीचे से जा रहा था जो हम काजा वाले रूट से आए थे, और ये भी हिक्किम ही निकालेगा, पर ये बहुत ऊपर ले आया मैं हाइट पर, और इसने तो याद दिलाती हूँ निकला पास की, बहुत ठंड हो रही है गाइस, हाथ फ्रीज हो चुके हैं, बहुत ठंड हो रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ रही है यहाँ तो।
धूप में भी। तो मुझे लगता है ये कट करते के साथ ही ये लांगजा विलेज से हम एग्जिट कर जाएंगे। अब नहीं दिखेगा लांगजा विलेज। तो हिक्किम दिखा रहा है राइट में, कॉमिक दिखा रहा है सीधा, देखो ये लिखा हुआ। तो हम सही जा रहे हैं, लांगजा पीछे रह गया, कॉमिक सीधा है और राइट साइड में हिक्किम। तो कहाँ जाया जाए पहले? हिक्किम। तो पहले गाइस हिक्किम में चलते हैं, फिर वापसी आके सीधा चले जाएंगे कॉमिक। और ये गाइस देखो कितनी चोटी पे ले आया एकदम। और यहाँ से है 2.8 किलोमीटर हिक्किम। ये जा रहा शायद रास्ता। यही है ना? तो गाइस ये रास्ता जा रहा है नीचे हिक्किम विलेज। देखो कैसे घूम के कितना बड़ा रास्ता बना रखा है, पूरा ऑफ रोड हो जाएगा यहाँ तो। चलो अच्छा है ना, नीचे जा रहा है, ऊपर हवा लग रही है, उधर नहीं लगेगी हिक्किम में। गाइस ऊपर तो बैंड बज गया लांगजा विलेज में, और लांगजा से हिक्किम आने में हवा ख़राब हो गई, इतनी ठंड पड़ रही है एक्सट्रीम लेवल की। रोड पे मिट्टी बिछा रखी है और टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा सा, बाइक का भी 13 डिग्री हो गया क्योंकि हवा नहीं आएगी अब, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरेंगे ना तो हवा नहीं लगेगी। शॉर्टकट होना चाहिए था गाइस, कोई सीधा नीचे उतार दे जो। ये होगा कोई शॉर्टकट जो हमें पता नहीं चला। ये भी एक शॉर्टकट दिखा रहा है। हाँ हिक्किम विलेज। और देखो छतों पे लोगों ने क्या बना क्या डाला हुआ है, सबकी छतों पे अगर आप नोटिस करो तो, गर्मी के लिए, ताकि गर्म रहे छतें। जो भूसे होते हैं ना वो डाल रखी हैं, दिख रही हैं? आई थिंक पोस्ट ऑफिस आने का रास्ता नीचे से ही है, यहीं पर रोकनी पड़ेगी बाइक, नीचे उतरना पड़ेगा। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस गांव के अंदर ही है, बिल्कुल बीचों बीच। हाँ यहीं आना है। ये लिखा हुआ गाइस वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 14,667 फीट। पोस्ट ऑफिस किधर है? नीचे है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आगे आगे तो। क्या ही करना है, हम तो घूम आएंगे बस, वही बहुत है। पता नहीं लेटर पहुंचेगा भी, पता नहीं लेटर पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा तो है। नहीं पहुंचेगा तो मुश्किल है, 1 बजे तो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है। 1 बजे का तो टाइमिंग है शायद पोस्ट ऑफिस का। अच्छा ये पोस्ट करेंगे, चलो गाइस हम तो कुछ पोस्ट कर नहीं रहे, तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा पहले। हाँ जी सब एड्रेस वेड्रेस फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ पोस्ट में डालना पड़ेगा, तब पहुँचेगा वो, ऐसे तो ना पहुँचेगा।
क्या रे क्या ही करोगे, छोड़ो पहुंचना ही नहीं है। तो गाइस पहुंच गए पोस्ट ऑफिस, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्की में आपका स्वागत है। 14,567 फीट, 4,440 मीटर्स। हाँ उतरो। पहुंच गए हैं हिक्किम के पोस्ट ऑफिस, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो इनका मेन ऑफिस है वो नीचे है कहीं गांव में, और ये यहाँ पे लेटर वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ये वो ऑफिस बना हुआ है और चेंज कर दिया थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा मतलब चेंजेस हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे बैग में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे बस अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करेंगे गाइस, उसके बाद देखते हैं नीचे गांव में जाएंगे, विलेज में, और वहाँ पे जो उनका मेन पोस्ट ऑफिस है अगर वो हमें मिलता है कहाँ है किधर है हम लोग पूछेंगे लोकल से, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। हाँ क्या है ना, आपने फोटोज़ में देखा होगा ये वाला पोस्ट ऑफिस आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ। ये क्योंकि 2020 से पहले जो था वो गाँव के अंदर था, एक बार ट्राई करेंगे अगर वो क्लोज हुआ तो वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर गांव के अंदर है, ये गांव से आउटर में बना दिया अब नया जो पोस्ट ऑफिस 2020 के बाद, तो 2020 में जितने भी लोग आए होंगे उनको ये शायद नहीं मिला होगा, तो ये कोरोना के बाद बनाया अब, तो ठीक है वहाँ पे भी जाके एक बार ट्राई करते हैं और यहाँ पे अच्छे से फोटोज़ क्लिक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से कॉमिक के लिए, और काफ़ी हद तक टूरिस्ट आया हुआ है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर में आपका स्वागत है, वेलकम टू हिक्किम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो निकलते हैं गाइस कॉमिक, एक पुराना वाला पोस्ट ऑफिस है विलेज के अंदर जो 2020 से पहले था, मतलब 2020 तक था, उसके बाद यहाँ पे बना दिया है, तो देख लेते हैं एक बार वो वाला भी कैसा लगता है अब जब आए हैं तो, क्योंकि इसके बाद हमारी सिर्फ दो ही लोकेशन रह जाती हैं, तीन लोकेशन, कॉमिक को तो गाइस कुछ है नहीं, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है विलेज, तो एक बार वहाँ भी घूम आएंगे, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर की और चिचम वाया के ऊपर होते हुए फिर हम काजा पहुंच जाएंगे वापस। तो वैसे एक बार यहाँ पर रोकते हैं थोड़ा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पुराने वाले पोस्ट ऑफिस में, और यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आप पोस्ट कर सकते हो, इधर से लेटर वगैरह मिल जाएगा, यहाँ एक कैफे है, चलो जिसका हो गया चलो, इधर आप अपनी गाड़ी का हो गया आ सकते हो एक रोड पे, और ये रास्ता जा रहा है नए वाले पोस्ट ऑफिस पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं पुराने वाले पोस्ट ऑफिस पे जो कि नीचे के विलेज में है। सो ये रास्ता है नीचे जाने का, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप रास्ता है, यहाँ से चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, हाथ में गोबर होगा कहीं पैर स्किट ना कर जाए। ओ भगवान, वो वाला है क्या सामने वाला, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, अच्छा ये जहाँ पे ये ग्रीन कलर के फ्लैग लग रहे हैं गाइस, ये है वो पुराने वाला पोस्ट ऑफिस हम पहुँचने वाले हैं। रास्ता बड़ा अजीब सा है, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है मुझे, एक तो राइडिंग जैकेट, ऊपर से हाथ में गोप्रो, सीढ़ी पड़ी है ना, अच्छा अच्छा तो चलते हैं पुराने वाले पोस्ट ऑफिस में। आई एम एक्साइटेड गाइज, मैंने तो ये हेलमेट के ऊपर वाला निकाला ही नहीं है आज, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, इन्हीं में ही फोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ मैं, आओ नीचे, यहाँ कुल्फी इतनी जम रही है मेरी, ठंड लग रही है। अब यहाँ पे एक चाय पियेंगे हम जो कि ऑरेंज ऑरेंज कलर की है,
कहाँ से जाना है समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत नीचे है देखो रास्ता, यहाँ से मैं कैसे उतरूंगी। ये जाके देख के आ रही हैं एक बार, बाकी देखते हैं। और आज तो मैं इतने मोटे मोटे कपड़े पहन कर आई हूँ, नीचे दो इनर तीन तीन पहन रखे हैं ऊपर से, ये फिर भी कुल्फी जमगी मेरी है। रास्ता यही है मेरे अकॉर्डिंग। गाइस देखो यहाँ पे लोगों ने घर के ऊपर क्या लगाया हुआ है, ये आई थिंक मे बी गर्म करने के लिए होगा घर को, यहाँ सबके घरों में देखने को मिलेगा। पता नहीं लोग कैसे सर्वाइव करते हैं इधर, हैट्स ऑफ जो लोग यहाँ पे रहते हैं इतनी हाइट पे और इतनी ठंड में सर्वाइव करते हैं, मतलब सीरियसली हिम्मत है इन लोगों की। और क्या हुआ, कहाँ गए, पता नहीं चल रहा मुझे तो, आवाज़ ही नहीं आ रही, कहाँ गए। गाइस पता नहीं ये कहाँ गए, इनको मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही। गाइस मुझे यहाँ पे कैट दिखी, देखो कितनी प्यारी सी है, यहाँ पे आके है कैटी कैटी। ओ ये देखो गाइस कितनी प्यारी है कैटी। पता नहीं मुझे डर भी लग रहा है, पास जाना नहीं चाहिए कहीं काट ना ले। कैटी यार मेरे को नीचे ना विलेज में जाना है व्लॉग बनाने के लिए। नीचे पोस्ट ऑफिस भी था। हाँ बहुत नीचे है वो। कौन सा पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ है नीचे, वो नीचे है पहले था। था बोर्ड वोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है अब, कुछ नहीं है नीचे। गांव में कोई लोकल है? हाँ है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों के लिए जो चॉकलेट लेके आए हैं वो, पर आपकी हालत खराब हो जाएगी। कोई नहीं चलते है ना ऊपर आने में, कोई बात नहीं आप हो ना सपोर्ट करने के लिए। दिखाओ कैमरा दिखाओ मेरे को। तो गाइस मैं नीचे होके आया हूँ, वो पुराना पोस्ट ऑफिस जो था नीचे, अब वहाँ बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं है। 2020 में था लास्ट, अब सारा बोर्ड उठा के एक अलग से पोस्ट ऑफिस बना दिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया पीछे, अब वही है पोस्ट ऑफिस इनका में। पहले गांव में हुआ करता था नीचे, अब नहीं है। बट ये बता रहे हैं ये भी था इनका पोस्ट ऑफिस, ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये नहीं है जो पहले जो 2020 में जिन्होंने दिखाया है, उससे पहले जो था 20 से वो नीचे था प्रॉपर गांव में। अभी गाइस ऊपर निकल रहे हैं कॉम्बिक के लिए, हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत नीचे है, पूरा स्टीप था। नीचे चलते हैं ना, उतरना तो चॉकलेट दे देंगे। उतरना तो आसान था लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो गई। अब निकल रहे हैं गाइस यहाँ से कॉम्बिक और मिलते हैं आपको कॉम्बिक में। ओयो किटी क्यूटी ओली 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 छोटी सी क्यूटी। मैंने पहली बार किट्टी को टच किया है कभी। ओए छोटी छोटी बेबी भी आपके, चली गई बेबी। यार पहाड़ी तो कुत्ते बिल्ली सब बहुत प्यारे होते हैं। पकड़ो एवं मैं भी उठाता हूँ गोदी। हाँ। पागल हो गए हो, पकड़ो तो किट्टी को गोदी उठाओगे? गाइस ये किट्टी को गोदी उठा रहे हैं, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं उठा रही। ओले 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 उठा लिया। ओय 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 हेलो हेलो किटी क्यूटी पाई, क्या कर रही है यहाँ पे? आपका इंतजार कर रही थी कि कोई से प्यार करने के लिए आएगा। हाय इसको मैं मिस करूंगी, बहुत प्यारी है ये। बाय पूछ इसकी प्यारी, मैंने पूछ पकड़ ली। बाय तो ठीक है गाइस निकल रहे हैं यहाँ से अब कॉमी के लिए, आपको मिलता हूँ बाइक पे। तो बैठ रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ से कॉमिक के लिए, 3.1 किलोमीटर है ऊपर से, 5 मिनट का आगे रास्ता है। और ये है पुराना पोस्ट ऑफिस नीचे, पर वहाँ पे बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा बोर्ड उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो सामने आपको दिख रहा होगा गाड़ियाँ खड़ी हैं, पोस्ट ऑफिस अलग से बना दिया है। और यहाँ पहले सब आया करते थे, अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो हम निकल रहे हैं कॉमिक के लिए, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है कॉमिक, उसके बाद जाएंगे की, उसके बाद जाएंगे की विलेज एंड की मोनेस्ट्री, और उसके बाद जाएंगे चिच्चम ब्रिज। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से फटाफट।